ये देखिए इसमें इमरजेंसी कॉल आ रहा है और इसमें सिम भी लगी हुई है बट नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये एयरटेल की लगी हुई है इसमें, इसको जो है बिना आईसी निकाले इसको ठीक करके दिखाते हैं। ये टच का पत्ता होता है, ये ऑन ऑफ का स्विच का पत्ता है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। ये हमारी एंटी जो है ये हमारी एंटीना की वायर है। ये हमारा स्विचिंग होता है, जो है स्विचिंग होता है, इससे नेटवर्क जो है बूस्ट होके हमें आगे इस वायर के थ्रू मिलता है। तो ये पहले चेक करता हूँ ये ख़राब है क्या खराब है। ये देखिए ये इसको चेक करेंगे, देखिए इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ये देखिए इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो ये जो है ये जो स्विचिंग है इसमें दिक्कत है, तो इसको जो है निकालूंगा बिना आईसी चेंज किए। देखिए आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लेता ही धोने में। ये देखिए इसको निकाल दिया, इसको क्या कर देना है इसको शॉर्ट कर देना है। अच्छे से जंपर लगाना है, देखना इधर उधर कहीं ग्राउंड में शॉर्ट ना हो, नहीं तो नेटवर्क आपका नहीं आएगा। इसको जो है साफ कर लेंगे,
ये देखिए, ठीक है शॉर्ट नहीं है। अब इसको देखते हैं पैक करके नेटवर्क आते हैं या नहीं आते। ये पत्ता लगा लेना है इसमें, टच का पत्ता, और नीचे ये जो है चार्जिंग का पत्ता है इसको अच्छे से लगा लें, और ये नेटवर्क की वायर लगा लें अच्छे से। एक स्क्रू लगा देता हूँ इसमें ताकि बोर्ड हिले ना। इस पर टेप लगा देता हूँ ताकि ग्राउंड में टच ना हो। दोस्तों ये देखिए, जेरी सिम डाल के देखते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए एयरटेल भी आ गया लिखा हुआ, ठीक है इसमें नेटवर्क भी आ गया। ये देखिए नेटवर्क भी फुल आ गया और कॉल भी लग रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब